Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video of Honda Amaze. This is BS4, not BS6. और इसमें जो किट लगाया हमने मोटोजेन BS4. देखो जो किट के अंदर आता है ये एक तो आपका फिलिंग वाल्व आएगा जहाँ से गैस फिल हो रही और डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है. इसको वन वे वाल्व बोलते हैं, नॉन रिटर्नेबल वाल्व भी बोलते हैं. एक बार जो यहाँ से फिल होगी वापस यहाँ नहीं आएगा, ये वापस आएगा रिड्यूसर में. ये इसका डबल स्टेज का रिड्यूसर है. ये इसका काम है पीछे से जो भी गैस आ रहा है हाई प्रेशर में आ रहा है इसको रिड्यूस करके जितनी इसको डिमांड में कमांड मिलता है ECM से उसी हिसाब से रिलीज़ होता है. ये एक्स्ट्रा पार्ट लगाया हूँ एडवांसर, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा. तीसरा जो पार्ट इसके अंदर है ये है आपका ECM. ये आपका जो है ब्रेन है, सारा कंट्रोलर सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है. और चौथा इसके अंदर जो आता है इंजेक्टर, जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है. अब इसके अंदर जो मैंने एक्स्ट्रा जो काम किया है, एक तो मैं अमेज़ या मारुति की किसी भी गाड़ी में मैं एडवाइस करता हूँ नो नीड ऑफ डायनेमिक एडवांसर. तो इसके अंदर जो है हमने जो एडवांसर लगाया दिस इज़ स्टैटिक एडवांसर. दूसरा जो मैंने काम किया इसके अंदर गैस का फिल्टर लगाया, इससे क्या है कि सारी इम्प्योरिटीज़ फिल्टर हो के जाएगा इंजन में. और तीसरा जो मैंने काम किया इंजेक्टर्स के कोई भी वायर कट नहीं किया, ये सारा कपलर टू कपलर वायरिंग किया है. इंजेक्टर्स का सारा कपलर टू कपलर है. इसमें क्या है कि आपके इंजेक्टर्स के कोई वायर कट नहीं है, सॉकेट टू सॉकेट, मेल फीमेल, सॉकेट टू सॉकेट सब अपना फिटिंग है. और चौथा जो काम किया हूँ मैं आपके ECM से जो वायरिंग आ रहा है ये सारा एक स्पायरल ट्यूब में आ रहा है. नॉर्मल अगर मैं टेपिंग करूँगा तो ये टेप का गम आपका निकल जाएगा. अब ये स्पायरल ट्यूबिंग में क्या है कि आपकी जो वायरिंग का जो लाइफ है, ये देखो ये नीचे से आ रहा है, ये वायरिंग का जो लाइफ है ये पूरे लाइफ रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगी. और पांचवा जो इसके अंदर मैंने काम किया आपका कूलेंट कनेक्शन किया. ये देखो आपका ये कूलेंट पाइप आपका रिड्यूसर में लगा है. अब इससे क्या है कि आपका जो है एक तो टेम्परेचर सेंसर आपका रिड्यूसर में ही लगेगा और दूसरा कभी भी ये आपके सर्दियों में दिक्कत नहीं करेगा. और इससे एक 10% एवरेज भी इम्प्रूव होता है, इससे एक 10% एवरेज भी इम्प्रूव होता है. और ख़ासकर मॉर्निंग में आपको अनबर्न गैस आपका जो है बाहर निकलेगा वो नहीं निकलेगा. छठा जो मैंने इसमें काम किया है एक होंडा फ्यूल करेक्शन रिले लगाया. दिस इज़ मेड इन इटली. आप पीछे देखिए इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ मेड इन इटली. अब ये रिले का काम क्या है कि मेनली होंडा में लगता है. इसमें क्या है कि आपका जो फ्यूल इंडिकेशन है होंडा के अंदर, यहाँ पे जो डैशबोर्ड में बता रहा है फ्यूल इंडिकेशन, ये बेसिकली आप गाड़ी चलाएंगे CNG पे आपका पेट्रोल कम होता जाएगा. तो इसके अंदर जो है आप जब भी गाड़ी आप CNG पे करेंगे कट ऑफ रहेगा और जब भी गाड़ी आप पेट्रोल पे करेंगे आपको एग्जैक्ट पेट्रोल बताएगी. ये अभी जैसे मैं ये गाड़ी अभी पेट्रोल पे है तो ये अब CNG पे आ गई है. तो ये आफ्टर 15 सेकेंड आप देखेंगे यहाँ पे जो पेट्रोल बता रहा है ये मेरे ख्याल से दो पॉइंट बता रहा है, एक पॉइंट या दो पॉइंट, ठीक है. ये आपका कट ऑफ हो जाएगा, नील हो जाएगा. यहाँ पे जो आपका ये आपका जो रिजर्व का है वो ब्लिंक करने लगेगा. दिस आई शो यू इन 15 सेकेंड. अब ये देखो यहाँ पे जो पॉइंट बता रहा था दो पॉइंट वो आपका कट ऑफ हो गया. अब ये रिज़र्व ये ब्लिंक करेगा. अब ये गाड़ी आपकी CNG पे है, आपका CNG पे टोटली आपका ये सिस्टम जो है कट ऑफ हो जाएगा. अब मैं गाड़ी आप पेट्रोल पे करता हूँ, यहाँ से मैं इसको पेट्रोल पे करता हूँ. अब सिंगल लाइट जल रहा है. अब आफ्टर 15 सेकेंड आपको एग्जैक्ट पेट्रोल यहाँ बताएगा. अब ये आपका एग्जैक्ट पेट्रोल बता रहा है. देखो गाड़ी यहाँ स्विच में देखेंगे दिस इज़ इन पेट्रोल नाउ, ठीक है. अब यहाँ पे देखेंगे जो दो पॉइंट पहले बता रहा था वही बता रहा है. और यही मैं CNG पे करूँगा तो वाइस वर्सा वही काम करेगा. अब होंडा के अंदर क्या है कि अगर मैं रिले नहीं लगाता तो गाड़ी आप CNG पे चलेंगे पेट्रोल बार बार कम होता जाएगा, एग्जैक्ट पेट्रोल पता नहीं लगेगा. ये रिले लगने के बाद आप जब भी गाड़ी पेट्रोल पे करेंगे आपको एग्जैक्ट पेट्रोल पता लगेगा, तो आपको कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. स्विच का पोजीशन भी देखो बहुत ज़बरदस्त जगह लगाया है, सेम वही ब्लॉक में जैसे लग रहा है जैसे होंडा ने लगा के दिया है. अब मैं इसका बूट दिखाता हूँ. होंडा अमेज एंड दिस इज़ BS4 IVTEC इंजन है.
अब इसमें जो सिलेंडर लगाया है हमने 12 केजी का सिलेंडर लगाया है। जो स्टैंड है आपका मोल्डेड पाइप स्टैंड है रबर ग्रिप के साथ। आप एक बार ये स्टैंड का क्वालिटी आप देखो, इस स्टैंड में क्या है। अब मैं इसको बाहर निकाल दिया हूँ, आराम से आप देख सकते हो स्टैंड का क्वालिटी आप देखो। एक तो मैंने स्टैंड जो है ये शीट लगाया है ये। अब ये जो शीट है ये कभी बॉडी क्रैक नहीं होने देगा। इसमें जो नट बोल्ट लगाया मैंने TVS नाइलोलॉक नट बोल्ट है। नॉर्मल नट बोल्ट क्या है, 2-4 महीने में लूज़ हो जाता है। ये नाइलोलॉक नट बोल्ट एक बार फिक्स हो गया कभी लाइफ में लूज़ नहीं होगा। इसके में जो स्टैंड मैंने लगाया है दिस इज़ मोल्डेड पाइप स्टैंड। अब मैं राइट साइड में इसका शीट दिखाता हूँ। मैं राइट साइड में ज़्यादा इसके जो है क्रैक होने का डर रहता है, तो इस पर जो मैंने शीट लगाया है ये चौड़ी शीट है, लेफ्ट से ज़्यादा चौड़ी है। और इसके अंदर जो है वहाँ चेसिस के बगल में है, यहाँ चेसिस से दूर है, तो इसमें कभी भी क्रैक होने का शिकायत नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द शीट। और नाइलोलॉक नट बोल्ट है और रिंग पे मैंने रबर ग्रिप दिया हुआ है। सॉलिड फिटिंग डन एंड सी द स्पेस, पूरा स्पेस मिला हुआ है। दिस इज़ होंडा अमेज, अ सॉलिड फिटिंग। और जो स्टैंड का क्वालिटी है ज़बरदस्त है। अटमोस्ट केयर लिया है मैंने इसमें लगाने में और कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। ये किट मैंने जो इसमें लगाया 12 केजी में विथ ऑल 9 एसेसरीज, 6 मैंने दिखाया, 7वां स्टैंड है, 8वां नट बोल्ट है और 9th मैंने डक्टिंग किया। कभी एक्सेस गैस हो तो डक्ट से गाड़ी के बाहर हो, ना कि गाड़ी के अंदर। ये 9 काम के साथ मोटोजैन का किट 12 किलो सिलेंडर में विथ ऑल 9 एसेसरीज विथ RC इंडोर्समेंट, ये मैंने 38,000 का लगाया विथ एवरीथिंग एंड विथ 1 ईयर गारंटी। वैसे इस किट का लाइफ जो है 10-15 साल है, कहीं नहीं जाता। विथ 1 ईयर गारंटी एंड लाइफ टाइम फ्री सर्विस। लाइफ टाइम फ्री सर्विस में क्या है कि आफ्टर ए ईयर ऑल्सो एनी लैपटॉप सेटिंग इट इज़ फ्री थ्रू आउट लाइफ। और कल को कोई पार्ट भी अगर ख़राब होता है रिपेयरिंग करते हैं, लेबर इज़ फ्री। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराना है एवरी सर्विस, स्पार्क प्लग क्लीन कराना है और गाड़ी चलाते रहना और एयर फिल्टर हमेशा जेन्युइन। सो दिस इज़ होंडा अमेज, सॉलिड सुपर फिटिंग होंडा अमेज। होंडा अमेज BS4 ले सकते हैं? हाँ, होंडा अमेज BS4 भाई, जो इस गाड़ी के अंदर लगना चाहिए 9 चीज़ एक्स्ट्रा जो किट के डब्बे में नहीं आता वो सब कुछ लगा के दिया मैंने। एक बार भैया से पूछते हैं फिटिंग कैसी रही, आप खुद खड़े होकर फिटिंग करा रहे थे, कैसी? भैया ज़बरदस्त फिटिंग थी, आराम से काम हुआ। हाँ। मैंने खुद देखा, तसल्ली से काम हुआ। हाँ। और बड़े प्यार से उन्होंने काम किया अच्छे से। और अब जो गाड़ी चल रही है कैसी चल रही है? गाड़ी मतलब बढ़िया चल रही है, इसमें कोई बता नहीं सकता इतनी जल्दी से। हाँ। अभी क्या किस पे चल रही है ये? और जबकि मैंने डायनेमिक एडवांसर के लिए मना कर दिया था भैया को, मैंने कहा स्टैटिक एडवांसर ही बहुत बढ़िया काम करेगा होंडा में, कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमने गाड़ी घुमाई कुछ फील नहीं हुआ? नहीं सर, कुछ फील नहीं हुआ। अभी इसमें बढ़िया चल रही है सर गाड़ी। हाँ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। हाँ। और मज़ा आ गया गाड़ी चलाने में। और कैसे चलाना देखो, मैं तीसरी में आप उठा रहे हो, मस्त है मस्त। देखो होंडा जैसी गाड़ी जो है अमेज, ये सब बनी है CNG के लिए। और ये गाड़ी एक बार लग गई ना आती नहीं है गाड़ी, कोई कंप्लेंट नहीं कुछ नहीं, आती नहीं है। और एवरेज भाई लोकल के अंदर कम से कम 18 की एवरेज कहता हूँ, लोगों को 20-22 की एवरेज आती है लोकल में। और हाईवे में 25 प्लस बोलता हूँ, लोगों को 30-32 की एवरेज है हाईवे पे। निकलती है सर आराम से गारंटी के साथ। देखो इसके दो सीज़न है एवरेज के, एक मई से सितंबर में ये 17, 18, 18, 19 देगी, ठीक है। और अब जो अक्टूबर आ गया, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक ये 20-22 की एवरेज देगी लोकल में AC के साथ। और हाईवे में जाओ 30-32 आराम से। खुद आप कहोगे कि भाई यार ये तो बहुत चल गई है, तो ये चीज़ है।